ओके सो टुडे वी विल डिस्कस फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ दी टेक्सोनमी टेक्सोनमी क्या है सिस्टमैटिक्स क्या है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं टेक्सोनमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है और इट इज ए आर्ट जिसमें हम मेनली किसी भी प्लांट को एक सिस्टमेटिक पोजिशन देते हैं यानी क्लासिफाई करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं या उनकी नेमिंग भी करते हैं ठीक है ठेके? या अगर हमें आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी प्लांट क्लासिफिकेशन भी पता है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी अगर देना है किसी प्लांट या किसी भी टेक्सोन के बारे में एक किसी रैंक के बारे में सपोज आप किसी फैमिली को डिफाइन करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल तो उसका डिस्क्रिप्शन तो कि like, अलग वे में लिखा है और आपका सपोज रूटेसी रूटेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपने अलग वे में लिखा है ऐसा नहीं होता हर चीज के लिए ग्लोबलाइज या यूनिवर्सल रूल होते हैं

वन इज दिफिकेशन उनको आइडेंटिफाई करना सेकंड इज डिस्क्रिप्शन उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना लिखना थर्ड इज नॉमिन क्लेचर उनकी नेमिंग करना अकॉर्डिंग टू द रूल्स फोर्थ इज क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब उनको एक डेजिग्नेशन देना पर्टिकुलर पोजिशन देना और फायलोजी उनके एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप स्टडी करना पांचों कंपोनेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है टेक्सोनॉमी में ऐसा नहीं है कि हम कह सके कि, कि ये जो कंपोनेंट है ओनली दिस कंपोनेंट इज मच इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग द टेक्सोनॉमी सभी एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली क्या फॉर्म कर रहे हैं टेक्सनमी कर रहे हैं केवल टेक्सोनमी का क्लासिफिकेशन ही कंपोनेंट नहीं है कि हम हमारा एम मेन एम क्या है उन्हें क्लासिफाई कर देना नो वी हैव टू नेम दैम टू राइट द डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द दसमी सो दीज आर द फाइव कंपोनेट्स एंड ऑल फाइव कंपोनेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट सो वी विल डिस्कस दैम वन बाई वन सो फर्स्ट कंपोनेंट इज आईडेंटिफिकेशन

तो देखिए जनरली ये सेवन लेवल्स हम पढ़ते हैं स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास डिविजन एंड किंगडम तो ये सारे लेवल्स ये सारे रैंक हर एक लेवल एक रैंक है जीनस इज इज अ अ रैंक रैंक क्लास द वेरी किंगडम हाइयर रैंक है जीनस जो है वो लोअर रैंक है स्पीसीज सबसे लोअर रैंक है लेकिन ये सारे वर्ड जो हम लिख रहे हैं ये रैंक कहलाते हैं या ये टेक्सोन कहलाते हैं टेक्सोन इज अ सिंगुलर वर्ड अ किंगडम इज ए टेक्सोन फैमिली इज अ टेक्सोन इज अ टेक्सोन

किसी प्लांट को आप क्लास लेवल पर आपको ये तो पता चल गया कि वो एनजीओ चल गया कि वो फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन ये नहीं पता कि डाकॉट है या मोनोकॉट है तो में दो क्लास होती है तो ये किस लेवल पर किस रैंक पर आइडेंटिफिकेशन हुआ ये क्लास लेवल पर आइडेंटिफिकेशन हुआ तो हर एक रैंक को हम टेक्सोन कहते हैं और टेक्सोन लेवल पर ही आइडेंटिफिकेशन होता है आप किसी जीनस के बारे में आपको पता है सपोज सपोज टू से थ्री स्पीसीज है

डिटेल में में एक बार इनको बाद डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे क्विकली मैं बता देता हूँ टूल्स जैसे हर्बेरियम वैसे तो सबसे कॉमन टूल आजकल इंटरनेट है जब तक ट्रेडिशनल चीजें थी तब तक हम ये सारी चीजें थी हर्बेरियम फ्लोरा फोना बट आजकल जनरली आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट जो मेथड है वो इंटरनेट रहते हैं मान लीजिए आप किसी फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं पोएसी फैमिली की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम जस्ट गूगल करते हैं और बहुत से वेबसाइट या बहुत सारे रिसर्च पेपर निकल कर आते हैं जहां बहुत सी इन्फॉर्मेशन है पोएसी के बारे में हर एक चीज अवेलेबल है अब कितने स्टेमन है क्या है बट पहले जब इंटरनेट नहीं था तो लिटरेचर के पास ही जाना पड़ता था यानी बुक्स के पास जाना पड़ता था ट्वेंटी सेंचुरी है आखिरी सदी है मुझे तो लगता है बुक्स की क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अब क्या है आई सेल में आपका टेक्नोलॉजी ने ही ले ली है मोबाइल आ गए हैं लैपटॉप आ गए हैं उनके अंदर ही हम सब कुछ पढ़ते हैं मेनली तो हर्बेरियम क्या होता है देखिए आइडेंटिफिकेशन में हर्बेरियम एक टूल है हर्बेरियम एक शीट होती है इस तरह से एक पेपर शीट है सिंपली जिसके ऊपर प्लांट को पेस्ट किया जाता है प्लांट का वो पार्ट जो इंपॉर्टेंट है मान लीजिए हम नीम प्लांट का हर्बेरियम बनाना चाहते हैं तो नीम के लीव्स जो होते हैं कंपाउंड लीव्स होते हैं नीम में तो एक ट्विग लेकर पेपर पर पेस्ट कर दी गई है उस पेपर पर यहाँ राइट हैंड डाउन साइड में यह इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जैसे कलेक्शन का प्लेस जैसे कलेक्टर का नाम कलेक्शन प्लेस नेम ऑफ द कलेक्टर प्लेस इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें पता हो यह हर्बेरियम या यह प्लांट किस पर्टिकुलर एरिया का है ठीक है और इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन यानी बॉटनिकल नेम और अप टू फैमिली लेवल ये सब इंफॉर्मेशन हर्बेरियम पर लिखी जाती है अब एक हर्बेरियम शीट ये सिंगुलर वर्ड है इसी तरह से बहुत सी हर्बेरियम शीट हंड्रेड थाउजेंड लैक्स ऑफ हर्बेरियम शीट तक भी होते हैं तो प्लूरल वर्ड होता है हर्बेरिया हर्बेरिया एक प्लूरल वर्ड है ठीक है हर्बेरियम एक सिंगुलर वर्ड है तो जब हम कहते हैं हर्बेरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया या हर्बेरिया ऑफ एनी रीजन तो उसके अंदर बहुत से हर्बेरियम होते हैं एक हर्बेरियम शीट को बनाने का मेथड भी होता है जब हम हर्बेरियम पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हर्बेरियम जो है ये प्रिजर्वेशन है प्लांट का एनिमल्स को तो प्रिजर्व किया जाता है फॉर्मलिन के अंदर ही कुछ प्लांट्स जिनकी अर्बेरियम नहीं बनाई जा सकती जैसे कि जेरोफिटिक प्लांट्स जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स अब एक्वेटिक प्लांट को हम पेपर पर पेश नहीं कर सकते वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो अदरवाइज प्लांट्स को तो प्रिजर्व किया जाता है अर्बेरियम मेथड से अब हर्बेरियम का फायदा क्या है आइडेंटिफिकेशन में हर्बेरियम जो होते हैं वो एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है हर्बेरियम पर हमने यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी थी कलेक्शन प्लेस क्या है ठीक है बॉटनिकल नेम क्या है तो जो प्लांट आपने नॉन प्लांट है जो आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा उसको हम आरबेरियम स्टडी करके यानी आर्बेरियम से हम नॉलेज ले रहे हैं हम बहुत से आर्बेरियम स्टडी करते हैं और हम कंक्लूजन पर आते हैं क्या हमारा प्लांट ये है फॉर एग्जाम्पल आपने आरपीएस कॉलेज से कोई प्लांट आइडेंटिफाई किया सॉरी आपने रिकॉग्नाइज uh, किया बट आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा हो आपने प्लांट कलेक्ट कर लिया बट आपसे रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हमारे पास होता है हरबेरिया ऑफ आरपीएस हर्बेरिया ऑफ आरपीएस का मतलब होता है कि आरपीएस के अंदर जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उन सब प्लांट्स एक एक प्लांट का जो हमने प्रिजर्वेशन कर रखा है मान लीजिए हमारे यहाँ नीम पाया जाता है तो हमने नीम की अर्बेरियम बना दी हमारे यहाँ शीशम पाया जाता है तो हमने शीशम का हरबेरियम बनाया हुआ है और उनको हमने प्रिजर्व किया हुआ है हर्बेरियम सिंगुलर वर्ड है तो बहुत से अर्बेरियम जब प्रिजर्व किए होते हैं तो उसको हर्बेरिया बोलते हैं तो हमारे पास हर्बेरिया ऑफ आरपीएस है आपको प्लांट नहीं पता तो आप विजिट करते हैं हर्बेरिया ऑफ आरपीएस को आप जो है पलट कर देखते हैं हर एक हर्बेरियम को आप उसके प्लांट को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा मेरा जो प्लांट मैंने कलेक्ट किया है वो इस अर्बेरिया में है या नहीं आरपीएस होता है और आपने प्लांट भी आरपीएस से ही कलेक्ट किया है तो आपको हंड्रेड वो प्लांट मिलता है उस अर्बेरिया के अंदर तो इसी तरह से रीजन वाइज अर्बेरियम होते हैं या किसी कंट्री वाइज भी बहुत बड़े एरिया के भी अर्बेरियम हो सकते हैं और उनको स्टडी करके पहले आइडेंटिफिकेशन किए जाते थे तो ये ट्रेडिशनल मेथड थे इसी तरह से एक्सपर्ट किसी भी एक्सपर्ट के पास जिसको नॉलेज है बॉटनी की या की नॉलेज है या किसी पर्टिकुलर फैमिली की नॉलेज है सपोज तो आप उस के के उस फैमिली के 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 प्लांट लिए एक्सपर्ट पास विजिट कर सकते हैं आपको पता चल गया कि आपका प्लांट है तो मान लीजिए पोएसी फैमिली का बट आपको ये नहीं पता कि ये वीट है या राइस है या ये शुगर केन है या ये मेज है तो आप उस एक्सपर्ट के पास जाए जिसको पोएसी फैमिली की नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा कि यह प्लांट क्या है इसी तरह से होता है फ्लोरा और फोना फोना वर्ड एनिमल्स के लिए है और फ्लोरा वर्ड है प्लांट्स के लिए देखिए हार्बेरियम और फ्लोरा में एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है फ्लोरा भी किसी पर्टिकुलर रीजन का होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया का होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया बहुत छोटा हो सकता है आपका घर हो सकता है कोई सिटी हो सकती है या पूरी कंट्री हो सकती है या यूनिवर्स हो सकता है इवन ठीक है मान लीजिए मैं कहता हूँ फ्लोरा ऑफ फ्लोरा ऑफ पर्टिकुलर सिटी मान लीजिए फ्लोरा ऑफ दिल्ली तो फ्लोरा ऑफ दिल्ली का मतलब है उस जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट है जितने भी प्लांट उस एरिया में पाए जा रहे हैं चाहे चाहे वो वो आपका घर हो चाहे वो कोई स्टेटी हो हो कोई सिटी या पूरी कंट्री हो, उन प्लांट्स की केवल लिस्टिंग करना ठीक है उनको केवल लिख लेना मान लीजिए मैं कहता हूं फ्लोरा ऑफ आरपीएस कॉलेज तो फ्लोरा ऑफ आरपीएस कॉलेज का मतलब आरपीएस में जितने भी प्लांट पाए जा रहे हैं उनका नंबर चाहे कुछ भी हो शीशम चाहे बीस हो कॉपी या फिफ्टी नंबर ऑफ प्लांट्स हो हमने लिख लिया कि यस शीशम डलभर सीशो फाउंड इन आरपीएस

कलेक्ट किया आप उसको नहीं पहचान पा रहे कि वो क्या है तो हमारे पास है फ्लोरा ऑफ महेंद्रगढ़ वेबसाइट पर है फ्लोरा ऑफ महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं उनकी लिस्टिंग की गई है आपका माधोगढ़ हिल्स भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है तो हम उन लिस्टिंग के थ्रू हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे सपोज सिक्सटी वेराइटी ऑफ वर प्लांट्स पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लेट से तो उन सिक्सटी प्लांट्स का नाम आप देख लेंगे फ्लोरा ऑफ महेंद्रगढ़ में हर एक प्लांट को आप डाल डालकर पिक्चर देखेंगे गूगल पर फिर आप देखेंगे कि मैंने जो प्लांट कलेक्ट किया था क्या ये वही प्लांट है तो इस तरह से फ्लोरा भी आइडेंटिफिकेशन टूल हो सकते हैं किसी अनोन प्लांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्लोरा भी हेल्प कर सकते हैं ऐसे ही फोना होता है फोना का मतलब होता है किसी ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स की लिस्टिंग करनी फ्लोरा प्लांट के लिए है फोना एनिमल्स के लिए है सपोज आरपीएस की बात करें वहां जितने भी एनिमल्स के स्पीसीज पाए जाते हैं अगर उनके नाम लिख लिए जाए केवल वही बात ओरिजिनल प्रिजर्व नहीं करने हमने केवल नाम लिख लिए गए फॉर एग्जाम्पल डॉग्स पाए गए हैं या कैट्स है या लिजर्ड है, है जो भी स्पीसीज एनिमल्स की वो सब क्या होंगे फोना होंगे

उस चैप्टर के अंदर किसी भी टेक्सोन की टेक्सोन मैंने पहले भी बताया था किसी भी रैंक की इंफॉर्मेशन कंटेन है ठीक है फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंक स्पीसीज से लेके किंगडम तक मान लीजिए आप कहते हैं क्लास रैंक ठीक है मैंने कोई मोनोग्राफ लिखा डायकॉट क्लास का अब ये एक मोनोग्राफ है इसमें वो यूनिक फीचर होंगे जो डायकॉट के यूनिक फीचर हैं वैसे तो मोनोकॉट भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है और डायकॉट भी फ्लावरिंग प्लांट है तो हम डायकॉट में ये नहीं लिखेंगे कि इन डायकॉट प्लांट फ्लावर्स आर फाउंड ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायकॉट और मोनोकॉट को डिफ्रेंशियट करना चाहते हैं ये मोनोग्राफ केवल का तो इसमें वो यूनिक फीचर होंगे जो के होते हैं ठीक है है जैसे कि दो पाया जाना ये का यूनिक फीचर है। इसमें हम लिखेंगे कि जो भी डायकॉट प्लांट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है क्योंकि मोनोकॉट में तो पैरलर है तो ये यूनिक पॉइंट है डायकॉट का तो ये है मोनोग्राफ एक किसी भी रैंक का चैप्टर एक तरह से ठीक है केवल क्लास का नहीं आप किसी स्पीसीज का भी लिख सकते हैं मान लीजिए आपके पास व्हीट है वीट एक जीनस है ठीक है वीट जीनस के बहुत से स्पीशीज हो सकते हैं लाइक वीट ट्रिटिकम वाल्गेय ट्रिटिकम एस्टिवम बहुत से स्पीशीज होते हैं तो हर एक स्पीशीज का अलग-अलग मोनोग्राफ है तो मोनोग्राफ किसी एक छोटे से लेवल का स्पीशीज का भी हो सकता है जीनस का भी हो सकता है, है ओनली वीट का भी मोनोग्राफ हो सकता है जिसमें व्हीट व्हीट के कैरेक्टर लिखे गए हो मेज मक्का भी पोएसी फैमिली का है गेहूं भी पोएसी फैमिली का है लेकिन मक्के में और गेहूं में क्या फर्क है अगर आप वो दिखाना चाहते हैं तो वीट का आपका आपके पास क्या होगा मोनोग्राफ होगा तो मोनोग्राफ जो होते हैं वो चैप्टर होते हैं जहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी भी बुक की तरह मोनोग्राफ की बड़ी यूनिट होती है मैनुअल एक मैनुअल में बहुत से मोनोग्राफ हो सकते हैं एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं प्लांट टेक्सोन मान लीजिए एक बुक है तो ये एक मैनुअल है ये एक गाइड है इसमें मान लीजिए चार यूनिट है आपके जो चार यूनिट है कोई ऐसी बुक होती है तो चारों यूनिट एक मोनोग्राफ है फर्स्ट यूनिट के मोनोग्राफ में फर्स्ट यूनिट की इंफॉर्मेशन होगी तो मोनोग्राफ का कलेक्टिव यूनिट मैनुअल होता है कंपैरेटिवली जरूरी नहीं है कि आ, कोई भी मैनुअल है उसके अंदर बहुत से मोनोग्राफ हो ये भी जरूरी नहीं है मैनुअल के अंदर डायरेक्ट भी इंफॉर्मेशन हो सकती है अदरवाइज बहुत सारे मोनोग्राफ भी हो सकते हैं जैसे एक लेवल की बात करें एक टेक्सोन की बात करें क्लास ठीक है किसी क्लास का जो है मैनुअल है सपोज आपके पास तो उसके अंदर जो मोनोग्राफ होंगे वो बहुत से ऑर्डर के होंगे ऑर्डर वन का मोनोग्राफ ऑर्डर टू का मोनोग्राफ ऑर्डर थ्री का मोनोग्राफ तो मोनोग्राफ के अंदर भी किसी एक टेक्सोन की इन्फॉर्मेशन है वो टेक्सोन यानी वो रैंक कुछ भी हो सकता है किसी स्पीसीज का भी मोनोग्राफ हो सकता है जब भी मैं टेक्सोन वर्ड कहता हूं

इंटरनेट से हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं हमें पोएसी फैमिली के हमें रूटेसी फैमिली, फैमिली के किसी भी फैमिली के आगे हमें कैरेक्टर चाहिए तो हम डायरेक्ट गूगल पर डालते हैं और बहुत से एक नहीं बहुत से वेबसाइट आते हैं जो एक से एक अच्छी इंफॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड कराते हैं बट जब ये चीज नहीं थी जब इंटरनेट नहीं था तो ये ट्रेडिशनल मेथड ही चलते थे किसी एक्सपर्ट को विजिट किया जाए आज से अगर तीस या चालीस साल पहले की बात करें जब बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कंप्यूटर भी नहीं था फोन भी नहीं था तब के जो आपके स्टूडेंट्स थे अगर वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे प्लांट्स को तो वो या तो अपने टीचर के पास जाते थे टीचर को भी नहीं पता था वो गाइड कर देते थे कि आप हर्बेरियम चले जाइए ठीक है हर्बेरियम जो होते हैं मैंने कहा कलेक्टिवली हर्बेरिया कहलाते हैं हमारे इंडिया में बहुत से बड़े बड़े हर्बेरिया हैं जैसे कि एफ आर आई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ये एक इंस्टीट्यूट है

नेशनल बॉटनिकल गार्डन हरबेरिया है लखनऊ में और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हरबेरिया यह है कोलकाता में देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन भी है इंडिया के नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है जब हम बोटेकल गार्डन पढ़ेंगे तो इनको डिस्कस भी करेंगे और इन्हीं बोटेनिकल गार्डन के पास खुद का हरबेरियम भी है मान लीजिए मेरे पास मेरा कोई बोटनिकल गार्डन होता जहां मैंने प्लांट्स को कल्टीवेट कर रखा है तो वहां पर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए क्योंकि बोटेनिकल गार्डन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है किन के लिए बोटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वहां मैं हर्बेरियम भी बनाता जरूर चाहे मेरे पास दस हर्बेरियम होते मेरे पास हंड्रेड होते हैं थाउजेंड्स ऑफ हर्बेरियम होते ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट बोटनिकल गार्डन है इंडिया के दोनों नेशनल एज वेल एज इंडियन तो इनके पास अपने खुद के हर्बेरिया भी है हर्बेरियम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि सिंगुलर वर्ड है हर्बेरियम हर्बेरिया मतलब कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम है इनके पास ठीक है टेक्सोनोमिक की मैं बता रहा था तो टेक्सोनोमिक की टूल्स होते हैं कार्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्विकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो क्विक आइडेंटिफिकेशन पहले था ये क्योंकि ये सारे मेथड बेरियम एक्सपर्ट फ्लोरा मोनोग्राफ मैनुअल ये टाइम टेकिंग मेथड थे तुरंत आइडेंटिफिकेशन नहीं करा पाते थे जब इंटरनेट नहीं था तो कीज होते थे फास्टेस्ट मेथड जिनसे आइडेंटिफिकेशन हो सके तो टेक्सोनोमिक कीज में जनरली क्या होता है कुछ तरह के कार्ड होते हैं बॉडी पंच या एज पंच कार्ड और इनके अंदर इस तरह से होल्स होते हैं कार्ड्स में ऐसे ये राउंड होते हैं होल्स होते हैं कुछ बॉडी पंच है कुछ एज पंच जब हम टेक्सोमी कीज पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी मैं क्विकली ये बता देता हूँ कि कैसे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं देखिए मान लीजिए हर एक फैमिली का कार्ड है ये मान लीजिए सोलिनसी फैमिली का कार्ड है ये पोएसी का कार्ड है ये रूटेसी का कार्ड है या जितने भी फैमिलीज है बहुत से फैमिलीज होते हैं देखिए बहुत सी फैमिली के कार्ड हो सकते हैं सपोज ये किसी फैमिली का कार्ड है ठीक है रूट एसी इन सभी के आगे होल्स हैं इन होल्स के आगे कैरेक्टर लिखे होते हैं सपोज यहाँ लिखा है स्टेमन टू यहाँ लिखा है स्टेमन थ्री यहाँ लिखा है स्टेमन फोर यहाँ लिखा है कार्पल टू कार्पल थ्री तो जैसे किसी भी फ्लावर के जो फीचर होते हैं वो इन होल्स के आगे लिखे होते हैं हर एक फैमिली के कार्ड में यूनिवर्सल होल होते हैं यहां भी स्टेमन टू स्टेमन थ्री ऐसा नहीं है कि पोएसी में स्टेमन टू यहाँ है और सोलेनेसी में सोलेटेमेंट टू यहां है एक यूनिवर्सल पैटर्न है जिस तरह से सिम कार्ड जो होता है वो एक तरफ से कटा हुआ होता है ठीक है इस तरह से ये इसलिए कट होता है पूरा सर... इस तरह से रेक्टेंगल नहीं होता कट इसलिए ताकि ओरिएंटेशन का हमें पता रहे कि हमें इस तरफ से सिम को डालना है अगर रेक्टेंगल होता तो हम कहीं से भी सिम डाल सकते थे तो क्योंकि एक ही साइड चिप है सिम में सिलिकॉन चिप तो उसका ओरिएंटेशन के लिए यहां से कट कर देते हैं ऐसे ये जो कार्ड होते हैं ये एक एज से कट होते हैं ऐसे ठीक है तो जो कटेड डिजाइन है

मान लीजिए ये स्टेम टू है तो इसके आगे ये होल है इसके अंदर हमने needle को करा दिया अब होता क्या है कि जिस फैमिली में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है मान मान लीजिए लीजिए में statement का number five है। है, में statement का का है 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 ठीक तो फाइव के आगे ये जो होल है ये पंस्ड होगा यानी ये होल इस तरह से होगा ओपन यहां से ये ओपन होगा जबकि स्टेमन फोर के आगे ये पूरा कवर्ड होगा स्टेमन थ्री के आगे ये पूरा कवर्ड होगा स्टेमन टू के आगे पूरा होगा क्योंकि सोलेनेसी में स्टेमन दो नहीं है स्टेमन कितने हैं पांच पांच है. तो के आगे क्या है ये है. अब ऐसा करने से क्या कुछ कार्ड नीचे गिर जाएंगे. जो नीचे गिर जाएंगे वो क्या इंडिकेट करेंगे कि इसका मतलब उन कार्ड्स वाली फैमिलीज में स्टेमन दो है तभी तो वो नीचे गिरे क्योंकि जो जो फैमिली के कार्ड नीचे गिरे उनमें स्टेमन दो थे स्टेमन दो के आगे इस तरह से होल था पंच कार्ड जब हमने वो नीडल शेक करी तो स्टेमन टू जिनमें नहीं थे उनके अंदर तो पूरा सर्कल था तो वो तो नहीं गिरेंगे वो एज इट इज नीडल के अंदर रहेंगे जो नीचे गिर गए इसका मतलब उनमें स्पेस था जहां से नीडल बाहर निकल गई और वो क्या हो गए नीचे गिर गए तो नीचे गिरे हुए कार्ड को हम उठा लेंगे सपोज तीन कार्ड बच गए जितने भी नीडल में रह गए उनको हम एलिमिनेट कर देंगे इसका मतलब उनमें स्टेमन टू तो नहीं है यानी उस फैमिली का तो हमारा प्लांट नहीं हो सकता अब हमारे पास फिर से तीन रह गए हमें नहीं पता कि अब किस फैमिली का है फिर हम एक नेक्स्ट कैरेक्टर चूज करेंगे सपोज मैंने कह दिया कार्पल टू हमने देखा कि हमारे फ्लावर में कार्पल दो हैं तो अब हम नीडल इंसर्ट करेंगे कार्पल टू के आगे सपोज ये सर्कल है अब तीनों कार्ड डालेंगे ठीक है क्योंकि वो यूनिवर्सल पैटर्न है कार्पल टू के ऊपर कार्पल टू ही आएगा हर एक कार्ड का कार्पल टू में आप नीडल डालेंगे फिर से शेक करेंगे मान लीजिए ये तीन में से कार्पल इसमें थे थ्री इसमें थे फाइव और इसमें थे टू तो थ्री और फाइव वाले कार्ड नीडल में रह जाएंगे क्योंकि उनमें कार्पल टू नहीं है तो वो शेक करने पर नहीं गिरेंगे कार्पल टू थे इस कार्ड में तो ये फिर से नीचे गिर जाएगा लास्ट में एक कार्ड बचेगा उसी कार्ड का हमारा क्या है मेंबर है तो इस तरह से इन टूल्स की हेल्प से इन टॉयज की हेल्प से भी आइडेंटिफिकेशन किया जाता था जो कि एक क्विक प्रोसेस था तो इसीलिए इनको फास्टेस्ट बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन में टेक्सोनोमिक को